तो दोस्तों आज की इस वीडियो आपको सिखाने वाला हूँ मनीव्यू एप्लीकेशन से लोन किस तरह से हम ले सकते हैं, किस तरह से अकाउंट बनाना है मनीव्यू एप्लीकेशन में। यानी कि इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं सिखाने वाला हूँ मनीव्यू एप्लीकेशन के बारे में, पूरी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए, वीडियो छोटी होने वाली है लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिए, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए। तो दोस्तों चलिए हम मनीव्यू एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं अपने मोबाइल में। बिल्कुल नए सिरे से हमको स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप इंस्टॉल कर लीजिएगा मनीव्यू एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से। इसके बाद गाइस ओपन करने के बाद आई एग्री पर क्लिक करना, यहां से आप अपनी परमिशंस को अलाउ कर देना जो भी ये परमिशन मांगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहां से अपने नाम से और अपने मोबाइल नंबर से यहां पर से कंटिन्यू कर देना होगा। अब गाइस यहां पर एक ओटीपी आएगी अपने मोबाइल पर, तो आपको ओटीपी को वेरीफाई करवा देना होगा। वेरीफाई कर देने के बाद गाइज यहाँ पर से आपको जो आपका पैन कार्ड में जो आपका लीगल नेम है बिल्कुल सही सही आपका नाम यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। दोस्तों यहाँ पर मेरा मिसमैच हो गया नाम थोड़ा, तो गाइज यहाँ से मैं नाम को बिल्कुल सही से लिख देता हूँ। ये मेरे फ्रेंड का एक अकाउंट बना रहा हूँ मैं, तो दोस्तों यहाँ पर से एक फ्रेंड को सही से यहाँ पर से नाम में लिख देता हूँ। तो गाइज नाम लिखने के बाद गाइज यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर आप जो भी हो आप यहाँ से लगा सकते हो। यहाँ पर आपको आपकी सैलरी यानी कि मंथली सैलरी गाइज यहाँ पर से आपको भर देनी होगी जो भी आपकी मंथली सैलरी है। इसके बाद यहाँ पर टेकआउट करने के बाद यहाँ पर गेट ऑफर वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना होगा। गेट ऑफर वाले बटन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो गाइस यहाँ पर से लोडिंग ये लेगा। तो लोडिंग होने के बाद गाइस आपको यहाँ पर आपका पैन कार्ड आ जाएगा और आपको देखना है कि सही पैन कार्ड आपका आया है। अगर आया तो येस दैट्स ओके कर क्लिक कर देना होगा जो ग्रीन बटन पर। इसके बाद गाइस यहाँ पर चेक करेगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो लोन लेने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको वेट कर लेना होगा। वेट होने के बाद अगर आप एलिजिबल हो तो गाइस आपको एक लोन लिमिट देखने को मिलेगी, आप अपने हिसाब से यहाँ पर लोन ले सकते हो। अगर एलिजिबल नहीं हो तो गाइस ये बता देगा कि आपकी जो भी सिविल स्कोर वगैरह कम है उस वजह से आपको लोन नहीं मिल सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये बता देगा और आप बड़ी आसानी के साथ यहाँ से लोन भी ले सकते हो। तो दोस्तों आई होप वीडियो को पसंद होगी।